यूपी में सपा को एक और झटका लगा है। सपा एमएलसी सरोजिनी अग्रवाल ने इस्तीफा दिया है। बीजेपी में शामिल हुई हैं सरोजिनी अग्रवाल, रीता बहुआ जोशी और मंत्री महेंद्र सिंह ने पार्टी में कराई है ज्वाइनिंग। नेताजी को पार्टी में साइडलाइन करने के चलते पार्टी छोड़ी। मुलायम सिंह के साथ मैंने लंबे समय तक काम किया, कहना है सरोजिनी का। 22 सालों से सपा में थी, अब बीजेपी में आ गई है। बीजेपी में कोई पद लेने नहीं आई है, कहना है सरोजिनी अग्रवाल का। सरोजिनी के साथ ही सपा को तीसरा झटका लगा है। इससे पहले सपा के दो और एमएलसी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो समाजवादी पार्टी को एक और झटका लगा है। 22 सालों से सपा में शामिल सरोजिनी ने छोड़ दी है पार्टी और उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। आप जानते हैं कि सपा एमएलसी जयवीर सिंह और बुक्कल नवाब भी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। तो सरोजिनी अग्रवाल के साथ ही समाजवादी पार्टी को एक तीसरा झटका लगा है। 22 साल से समाजवादी पार्टी के साथ थी सरोजिनी अग्रवाल और अब उनका कहना है कि उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। उसकी नीतियां देख के, उसके उद्देश्य को देखते अब उनको अपना भविष्य बीजेपी में नजर आ रहा है। बुक्कल नवाब और यशवंत सिंह के बाद अब सपा एमएलसी सरोजिनी अग्रवाल ने भी अपने पद से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है। मैम, क्या वजह क्या रही, लगातार एक के बाद एक समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं बाहर जा रहे हैं? देखिए, दूसरे नेताओं से मेरी इस बारे में कोई बात नहीं हुई, ना यशवंत सिंह जी से हुई, ना बुक्कल नवाब जी से हुई। मेरी तो अपनी ही बात है, मैं 1995 में आई समाजवादी पार्टी में। नेताजी के साथ मैंने, नेताजी ने मुझे ज्वाइन करवाया, नेताजी ने मुझे टिकट दिया, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनी। उसके बाद नेताजी लगातार मुझे बढ़ाते रहे, राष्ट्रीय सचिव रही समाजवादी पार्टी में 12 साल तक। उसके बाद में मैं एमएलसी बनी। असल में जब से नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे पार्टी के, तब से मन नहीं लगता था पार्टी में। और मैं समझती हूँ क्योंकि 22 साल से पार्टी में थी, इसीलिए छोड़ने का निर्णय भी बहुत डिफिकल्ट रहा और देर में हुआ। भारतीय जनता पार्टी में भूमिका क्या होगी आपकी? देखिए, अभी पार्टी ज्वाइन की है तो मैं पूर्व एमएलसी हूँ, तो मेरठ में जनता के काम करूंगी। सत्ता में लोग आते ही हैं काम के लिए। जब हमारी सरकार थी तब लगातार मेला लगा रहता था काम कराने वालों का। अब भी लोगों का काम करेंगे, पब्लिक का काम करेंगे, और पब्लिक सेवा ही मेरा काम है। क्योंकि मैं तो 22 साल से राजनीति करने में, मैंने एक नए पैसे का भी मेरे ऊपर आरोप नहीं है, ना मैंने इस तरीके से कोई एक नया पैसा भी गलत कमाया है। पब्लिक सेवा ही करती हूँ, तो वही अब करती रहूंगी। थैंक यू। तो तकरीबन 22 साल तक समाजवादी पार्टी में रहने के बाद सरोजिनी अग्रवाल ने सपा छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर लिया। हालांकि इससे पहले यशवंत सिंह और बुक्कल नवाब ने भी अपने पद से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। कैमरामैन मिनहाज के साथ अविनाश सिंह, समाचार प्लस, लखनऊ। तो समाजवादी पार्टी को एक और झटका लगा है और इस बार सरोजिनी अग्रवाल के तौर पर सपा को झटका है। इससे पहले दो एमएलसी छोड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी को, आप जानते ही हैं। और अब सरोजिनी अग्रवाल ने भी टाटा बाय बाय बोल दिया समाजवादी पार्टी को और उनकी अब नई मंजिल उनकी है भारतीय जनता पार्टी। और वहीं सरोजिनी अग्रवाल के बीजेपी ज्वाइन करने पर बीजेपी की बाछें खिली हुई हैं। क्या कहना है बीजेपी के नेताओं का, वो भी सुन लेते हैं। मोदी जी का, नरेंद्र मोदी जी का काम करने का तरीका और जो नई सरकार उत्तर प्रदेश में भी बनी योगी जी के नेतृत्व में, जिस तरह से वो जन कल्याण की ओर बढ़ रही है, स्वाभाविक है कि वो आकर्षित कर रही है लोगों को। तो मैं समझती हूँ प्रश्न आपका थोड़ा अटपटा है। मैं भी आई हूँ भाजपा में, आपको मालूम है, पार्टी छोड़कर। हमें से जो भी आ रहा है अपनी मर्जी से आ रहा है, खुद आ रहा है। और हम तो आभार व्यक्त करते हैं इस पार्टी का कि वो सबको खुले दिल से सबको ले रही है और सबका योगदान उत्तर प्रदेश के पुनर्निर्माण में इस्तेमाल करने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए सम्मान दे रही है। मैं सरोजिनी अग्रवाल जी का बहुत स्वागत करता हूं और भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से विस्तार हो रहा है उसके लिए बीजेपी उनका स्वागत करती है। और सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव ने जिस दिन विधान परिषद के अंदर राष्ट्र विरोधी बयान दिया, चाइना की प्रशंसा की और भारत को निर्बल देश बताया, उसके बाद पूरे सपा में खलबली मच गई और बहुत सारे नेता हम लोगों के संपर्क में आए और उन्होंने कहा राष्ट्र विरोधी नेता के साथ अब हम लोग नहीं रह सकते हैं। और उसके बाद जो सिलसिला प्रारंभ हुआ उसमें से एक बढ़ के एक लोग स्वतः प्रेरणा से त्यागपत्र देकर के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। हम सब लोग उनका स्वागत करते हैं।